नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल बदल गया है। राकेश टिकैत के आंसुओं का वजह से माहौल वहां का बिगड़ गया है। सपा, आरएलडी, कांग्रेस और आपका समर्थन भी राकेश टिकैत को प्राप्त हो गया है। पश्चिमी यूपी से बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत से लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और अपना आंदोलन जारी रखने के लिए राकेश टिकैत ने कहा है। राकेश टिकैत ने आत्महत्या की भी धमकी दी है, साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है कि किसानों के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही बीजेपी सरकार साजिश रच रही है। और कल रोकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम किसानों के समर्थन की अपील करने के बाद किसानों की संख्या वहां पर बढ़ने लगी है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों का जत्था एकत्र हो रहा है। कल देर रात से ही लगातार वहां पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सपा, आरएलडी, कांग्रेस और आपका भी राकेश टिकैत को समर्थन प्राप्त हो गया है। पश्चिमी यूपी से बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर और बागपत से लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।